हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी रिमझिम भाग 3 के पार्ट हमसे सब कहते के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक प्रश्न लिखा है, समान अर्थ वाले शब्द लिखो, जिसे शब्दार्थ भी कहा जाता है। सूरज का अर्थ होता है, सूर्य का अर्थ होता है सूरज, बादल का अर्थ होता है मेघ, जल का अर्थ होता है पानी, चांद का अर्थ होता है चंद्रमा, हवा का अर्थ होता है वायु, पापा का अर्थ होता है पिता, भैया का अर्थ होता है भाई और माता का अर्थ होता है माँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। बेटा, ये 3 प्रश्न हैं जो एक के बाद एक पूछे गए हैं, जिसमें हमें बताना है कि सबसे ताकतवर कौन है। तो पहला है, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, सूरज सबको रोशनी देता है, इसलिए सूरज ज़्यादा ताकतवर है। दूसरा, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। यह सच है कि बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, लेकिन कुछ समय बाद बादल को हटना पड़ता है और फिर से सूरज की रोशनी हर जगह फैल जाती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? पहले 2 क्वेश्चन इसके हम कर चुके हैं, कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। तीसरे का उत्तर है, हवा बादल को भगा देती है और सूरज फिर से चमकने लगता है, इसलिए सबसे शक्तिशाली सूरज है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? हमारा बस सिर्फ अपनी ही चीज़ों पर चलता है, जैसे खिलौने, किताबें, बस्ता आदि। अगला प्रश्न, तुम्हारे घर पर तुम्हें कौन कौन टोकता है? हमारे घर पर सभी बड़े हमें टोकते हैं, जैसे माँ, पिताजी, दादाजी, दादी जी और बुआ। बेटा, यहाँ पर 2 बार दादाजी लिखा गया है, इसमें ई की मात्रा लगा के इसको हम दादी बना लेंगे, दादी जी, बुआ आदि। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? बहुत सारी चीज़ों पे हमें टोका जाता है, जैसे ज़िद करने पर, लड़ाई करने पर, चिल्लाने, खाना समय पर ना खाने, गंदगी फैलाने तथा रोने पर हमें टोका जाता है। अब अगला प्रश्न है, खालिस्तान भरो। अब इसमें एक बॉक्स के अंदर देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं। नीचे के क्वेश्चंस के अंदर आपको उन्हीं शब्दों में से कोई शब्द ढूंढकर चुनकर लिखना है। जैसे पहला है, डैश कहीं भी जलधार बरसा जाते हैं, तो जलधार कौन बरसाता है? बादल। बादल कहीं भी जलधार बरसा देते हैं। बच्चों को सभी डैश हैं, तो इस पार्ट के हिसाब से बच्चों को सभी टोकते हैं। सूरज को कोई भी डैश फैलाने से मना नहीं करता। सूर्य क्या फैलाता है? धूप फैलाता है बच्चों, तो सूरज को कोई भी धूप फैलाने से मना नहीं करता। अम्मा घर में खिलौने फैलाने से मना करती है ना? घर में क्या फैलाने से मना करती है अम्मा? खिलौने। हवा भी बिना पूछे घर के डैश आ जाती है। घर के कहाँ आ जाती है? घर के अंदर आ जाती है। इसके बाद हमने कुछ प्रश्न किए हैं बच्चों, जो कि हैं मिलान करो। अब इन मिलान करो वाले प्रश्नोत्तर में हमें क्या करना है? जो भी शब्द इधर गए दिए गए हैं या जो भी चीज़ें इस तरफ दी गई हैं आपको बेटा, उनसे मिलने वाली या उनके पास मिलने वाली चीज़ से हमें उन्हें मिलाना है। जैसे पहला है बादल, बादल से जलधार बहती है, चांद से चांदनी, बच्चे के पास खिलौने होते हैं, गाय से हमें दूध मिलता है, मधुमक्खी से शहद और सूरज से धूप, पेड़ से हमें फल मिलते हैं। तो इसी तरीके से हम इन्हें मिला देंगे। अगला प्रश्न आता है, नीचे लिखे गए शब्दों को सही सूची में लिखिए। ये सभी शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत,
और चटनी। अब इन्हें हमें नीचे के दिए गई तालिका में भरना है। सबसे पहले यहाँ अक्षर दिए हैं जो कि बुक में पहले से ही दिए थे। यहाँ पे हमें जानवर या पक्षी का नाम लिखना है, यहाँ खाने पीने का सामान और यहाँ खेल का सामान। तो ब से जानवर हुआ बकरी, खाने पीने का सामान बेर और खेल बल्ला। म से मगर, मसाला मार कुटाई। क से कबूतर, ककड़ी कबड्डी। ल से लोमड़ी, लट्टू लड्डू और लट्टू। प से ऊपर कोई भी जानवर का नाम नहीं दिया गया, इसलिए इसे हम खाली छोड़ देंगे। खाने पीने का सामान पपीता पेड़ा और खेल का सामान पतंग। ग से गाय, गुलाब जामुन और गिल्ली। श से शेर, शक्कर शहतूत और शतरंज। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न 6, हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, पहला लोग, फिर चीज़, फिर जगह। हमने लोग ढूंढे भैया अम्मा और पापा, चीज़ें धूप चांदनी और खिलौने, और जगह यहाँ अंदर घर भर और बाहर। यदि आपको इसके अतिरिक्त कोई और लोग चीज़ या जगह बुक में मिलते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। और आखिरी प्रश्न में हमें क्या करना है बच्चों, अपनी पसंद के खेल से संबंधित उपकरण नीचे यहाँ पर बनाने हैं और उनमें सुंदर रंग भरकर उसे नाम भी देना है। जैसे मान लीजिए यदि आपको फुटबॉल बहुत पसंद है तो हम यहाँ पर फुटबॉल बनाइएगा और यहाँ साथ में लिख दीजिएगा फुटबॉल, ठीक है। यदि आपको बास्केटबॉल पसंद है तो उसके लिए भी आपको बास्केट और बॉल बना के उस खेल का नाम लिखना होगा। अगर आपको कबड्डी पसंद है तो आपको कबड्डी के प्लेयर्स बनाने होंगे और नीचे नाम लिखना होगा। तो आप अपना मन पसंदीदा जो भी खेल है उसका उपकरण बना दें नीचे और नाम लिख दें। तो इस पार्ट में इतने ही प्रश्नोत्तर करेंगे बेटा। अगली बार मिलते हैं हम एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।